हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट मेक्स मी अट्रैक्टिव, ये फीलिंग के बारे में, ये थॉट के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता रहता है कि मतलब उनको देख के कोई ना कोई प्रभावित होता रहता है, अट्रैक्ट होता रहता है, और उनको मतलब जानने की बहुत कुतूहल उनमें उनके मन में होता है, बहुत उत्सुकता होती है कि मतलब What makes me attractive? मेरी ऐसी कौन सी बात है जो सामने वाले को मेरी तरफ खींची चली आती है, मतलब सामने वाला मेरी तरफ खींचा चला आता है, ये बहुत सारे लोगों को जानना रहता है। तो यही हम आज की इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं इस चैनल के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी एंड टैरोट कार्ड रीडिंग रिगार्डिंग वीडियोज लाती रहती हूं। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर डेली इसी टाइप की वीडियोज बनाती हूं जो काफी सारे लोगों को पसंद आते हैं, काफी सारे लोग उसे सराहते हैं। आई एम सो थैंक यू एंड ग्रेटफुल अबाउट योर लव, एंड आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। सो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस वीडियो में टैरोट कार्ड रीडिंग के हिसाब से व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव, व्हाट मेक्स मी अट्रैक्टिव। मतलब आप सोचते हो ना, आपको अट्रैक्टिव, आप में अट्रैक्टिवनेस के लिए मतलब क्या है, कौन सी ऐसी बात है, व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अलग टॉपिक पे है, आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आए। दिस इज ओनली अबाउट यू, ठीक है। तो हर किसी को खुद के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे मन में इतने सारे सवाल उठते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कार्ड्स हमें मदद करेंगे। सो फर्स्ट इज द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप एक मतलब आपके सामने ये वीडियो आई है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर टाइप के मस्त मौला किस्म के इंसान हो, जिसे इसके बारे में मतलब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार है। जैसे आप खुद को बार बार आईने में देखते रहते होगे, खुद के कपड़े आप बहुत अच्छे पहनते होगे, आपको यहाँ वहाँ घूमना बहुत पसंद आता होगा, आप बहुत ज़्यादा, सेकंड भी कार्ड सन आया है, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा मस्त मौला इंसान है जिसे हर एक चीज़ करना अच्छा लगता है, ज़िंदगी खुल के जीना अच्छा लगता है, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप बस खुद खुश होना चाहते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो, कि हर हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए रेडी रहते हो, और आपकी ये जो बातें हैं ना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा बर्ताव करना, हमेशा खुश रहना, अच्छे अच्छे चीज़ों को यूज़ करना, कपड़े हमेशा अच्छे पहनना, हर चीज़ के लिए रेडी रहना, ये सारी जो आपकी बातें हैं ना, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपके प्रति उनको अट्रैक्ट करती है, यही सारी चीज़ें आपको अट्रैक्टिव बनाती है। चलिए देखते हैं और कौन सा कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी जो बात है ना, हर बात को जीत की तरफ मोड़ के लेके जाना, कि मतलब आपके हाथ में कोई भी काम दो ना, आप उसे पूरा करते हो अच्छी तरीके से, और मतलब जीत जाते हो हर किसी चीज़ में। आपको कोई भी काम अगर बताया जाता है, आप उसे अच्छी तरीके से पूरा करते हो, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑल कार्ड्स आर आई डोंट नो मतलब हाउ ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप सच में एक अच्छे और पॉजिटिव सोल होगे। एज आई सेड, देयर इज ऑलवेज विक्ट्री। आप हर चीज़ के लिए रेडी रहते हो ऑलवेज, मतलब आप खुशनुमा बहुत ज़िंदगी है आपकी। मतलब अगर नहीं भी हो तो आपको पता है चीज़ों में, मतलब हंसी मजाक करके चीज़ों को अच्छा कैसे बनाना है, ब्यूटीफुल कैसे बनाना है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हो, यहाँ वहाँ घूमना पसंद करते हो, लोगों के साथ आना जाना, उठना बैठना ज़्यादा पसंद करते हो, लोग आपकी वाहवाही करें, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और यही सारी बातें लोगों को भी आपके प्रति पसंद है, जो उनको आपके लिए अट्रैक्ट करती है, आपके तरफ लोग इसी की वजह से खींचे चले जाते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपको देख के ही कोई पर्सन इम्प्रेस हो जाता है आपके साथ बात करके या समथिंग लाइक दैट। तो आई गेस मैं एंजल्स का भी एक डेक चूज कर लेती हूँ, देखते हैं एंजल्स के डेक से क्या गाइडेंस आता है, एंजल्स क्या बताते हैं आपके बारे में, ठीक है। सो यू आर रेडी, एज आई सेड, आप हमेशा रेडी रहते हो, मतलब लाइक एक कार्ड के साथ दूसरे कार्ड मैच होना, दैट इज मतलब लाइक टोटली कोइंसिडेंस ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज मैं कार्ड्स हर एक कार्ड निकालने से पहले डेक को शफल करती हूँ, एंड स्टिल मैचिंग कार्ड आता है, विच इज लाइक प्योरली डिवाइन गाइडेंस एंड प्योरली डिवाइन रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, यही तो आपकी बात है कि आप हर चीज़ के लिए रेडी रहते हो हमेशा, यही बात लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगेन, यू रिमेन पॉजिटिव ऑल द टाइम। जैसे मैंने बोला था, अगर मतलब
कोई सिचुएशन ऐसी होगी जो आपके फेवर में नहीं होगी, फिर भी आप उसमें हंसी खुशी ढूंढ लोगे, पॉजिटिविटी ढूंढ लोगे, या फिर मतलब कोई निराशाजनक अगर वातावरण होगा उसमें आप होगे तो आप लोगों को हंसा दोगे। जब भी ज़रूरत रहती है आप लोगों से हेल्प मांगते हो, लोगों से गाइडेंस मांगते हो, ये लोगों को आपकी बात बहुत पसंद आती हो आती है। समवेयर यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल और आपके इंटरनल सोल के साथ आप जुड़े हुए हो, आपको पता है आपकी सच्चाई क्या है, आप कौन हो, क्या इंसान हो, और यही बातें जो है ना आपकी लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करती है। दोस्तों चूज़ योर न्यू डायरेक्शन, आप हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हो, नया करते हो, जो लोगों को सोचने में मजबूर कर देता है, यार ये पर्सन ऐसा कैसा है, इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है, या फिर मतलब इतना अलग अलग तरीके के एक पर्सनैलिटी में शेड कैसे हो गए, ये सारी बातें है ना आपकी वो लोगों को अचंभित कर देती है। इसकी वजह से लोग आपसे कनेक्ट करने में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनको लगता है कि वो आपसे बात करें। कभी कभी आपको ये समझेगा नहीं कि समवन इज़ रेडी टू टॉक टू यू, बट ऐसा है दोस्तों। ठीक है, मैं अभी और एक डेक देखती हूँ, एंजल्स मैसेजेस क्या दे रहे हैं, एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो कार्ड आता है द वॉटर, सर्चिंग एम्पावरमेंट एंड फुलफिल। एज आई सेड, आप हमेशा किसी ना किसी नई चीज़ को करते रहते हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, अपने पाथ को आगे ही बढ़ते रहते हो, आपको मतलब परवाह नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही, आपको पता है कि आप सही जगह जा रहे हो, एंड दैट इज़ द थिंग। इसकी वजह से आपको हमेशा मतलब चिंता भी रहती है तो भी आप पॉजिटिव रह के किसी ना किसी चीज़ को ढूंढ लेते हो, आपको पता है कोई ना कोई दरवाज़ा आपके लिए ओपन होगा ही होगा, तो मतलब परेशानी की कोई बात है नहीं। उसके बाद आता है सिक्स ऑफ फायर्स, आप जैसे मैंने बोला आप हमेशा खुद को सक्सेसफुल देखना चाहते हो और हमेशा सक्सेसफुल होते हो किसी न किसी चीज़ में, आप में सेल्फ इस्टीम कमाल का है, आप में मतलब करेज कमाल का है, स्ट्रेंथ कमाल की है आपने, जिसकी वजह से लोग आपको देख के मतलब लगता है लोगों को काश में ऐसा होता, भले ही आप, और मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि ये सारी सिचुएशन में अगर आप गुस्सा हो जाते हो फिर भी आप मतलब लोग आप में क्यूटनेस ही हमेशा ढूंढते हैं, दैट इज़ द मेजर थिंग जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द एम्परर कार्ड आया है जो बताता है कि मतलब आप जो कर रहे हो उसमें आप एक्सपर्ट हो, और यही आपकी बात जो है ना एक्सपर्टीज, हमेशा जीतने की इच्छा चाह और हमेशा जीत भी जाते हो, नकारात्मक सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी ढूंढते रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, दूसरों को पॉजिटिव रखते हो, हमेशा हर चीज़ को करने के लिए रेडी रहते हो, यही सारी जो आपकी बातें हैं ना लोगों को आपके प्रति अट्रैक्ट करती है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव महसूस, आपको अट्रैक्टिव महसूस करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार ये पर्सन कितना अट्रैक्टिव है और आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। तो आई होप ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग थी, बट आप सब लोग इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करोगे। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। एंड हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, बाय गाइज़।